सब किसान है, ये उग्रवादी है, बीजेपी का दल्ला है। आपको जयचंद मिलेंगे, उनका काम यही है मोदी जी के सारे क्या लागू आगे फोटो सब लिया बैठे किसान बती रात का बटन झंझर का है। मैं थोड़ा देसी पत्रकार मनोज थे देख रहे हो जिलको चूर किसानों जिनको चक्का जाम है वो हो रहे हैं और मैं बेरासर मार्ग पर हूँ। किसान है जिसका काफी आक्रोशित है और पेड़ तोड़ के है हाईवे के ऊपर लगा रखे है और हम बातचीत करके देख लिया के मुखिया आंगी मांग है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने खाते सब्सक्राइब बटन वाले हो, साथ ही साथ बेल भी दबा लो ताकि आगे जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा तो जी कई लोग है जो कह रहे हैं किसान को नहीं है तो और है यहाँ है तो बे चीज़ पर क्या कहना चाहूंगा। दिल्ली वाला ये ना पूछो किसान ही है, सब किसान है, सब किसान है, ये उग्रवादी है। कोई भी बिना किसान कोई नहीं, सब किसानों के ही घर है इसमें, सब किसान है। कह वे भी अपने मुंह में मजे बात है, कहे वाले तो कहे तो मोदी भी कहे है, उनका मंत्री भी कहे है कृषि मिली जो है किसान के हित में, इतने पगल ही है किसान जो रोड़ा पर बैठे बीजेपी का दल्ला है। मिलेंगे हर जगह आपको जयचंद मिलेंगे, उनका काम यही है कि एक किसान प्रोटेस्ट जो सही दिशा में जा रहा है नहीं, इसको बदनाम करने के लिए, मतलब कोई खालसा का बता देता है, कोई किसका मतलब फंडिंग में विदेशी बता रहे हैं, कहाँ से आएगी विदेशी फंडिंग किसान के पास, कहाँ है ये बताओ। आप लंबे टाइम में चलन लाग रहे हैं, कई क्षेत्र में भी चलना रहे हैं, जिले ही बात कर लिया तो, और दिल्ली में भी चल रहा है, लेकिन जी मान लो दिल्ली में पीछे सी जी घटना हुई बाद में कोई धरना पर फर्क है क्या आपने? नहीं वो तो बीजेपी की ज्यादा वीडियो, वो तो एक बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत किसान को फंसाया गया है, उसके में है कौन? दीप सिंधु किसका किसका है? आपने भी फोटो देखी होगी अमित शाह सागे और मोदी के सागे और वो सनी देओल और उसका, उसमें उसने बीजेपी का प्रचार किया, वो एकदम मीडिया में आ रही है और वो उन्हीं का है बीजेपी का आदमी, रूसी को उन्होंने छूट दी थी, आम किसान के लिए रास्ता खोल रहा था कि वो साजिश के तहत रास्ता खोल के उसको चढ़ाया गया था जबरदस्ती। और इसी किसानों का रास्ता तो तब भी रुक रहा था, अभी भी रुक रहा है, किले रोप रहे रखे हैं वो किसानों के विरुद्ध में, और उनके लिए तो रास्ता खुला छोड़ रखा था, लाल किले के लिए भी रास्ता खुला छोड़ रखा था, और भी खुला है उनके लिए, तो वो सरकार के नाम उनके आदमी है, वो वहाँ का गुजर था, वो एमएलए था, वो आकर के किसान मोर्चे के सामने लड़ने के लिए आया था, वो भी बीजेपी का था। अंतो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जनता की सरकार है, जनता की चुनी हुई है, किसान की इतनी कहाँ है? अगर ये एक बिल में चार खामियां हैं, तीन ही तो बिल है उसमें 12 खामियां हैं, तो फिर वो किसान के है इतने कहाँ है ये बताओ, पूरा का पूरा बेकार है। तो ले दो ताकत है, लेना पड़ेगा किसान प्रतिनिधि तो अपना है, अब आई वास्ते सुनना तो अपना दुख दर्द और अपनी सुविधाएं करते, वो बड़ा संघर्ष करे, वो जाके अपनी आवाज बढ़ाए, वो अपनी आवाज उठावे, अपना अपना हक दिवावे, एक असर चुनता होगा, एक असर चुना कौन से बना के आवाज, कोई आवाज को नहीं, आपका स्वार्थ है मोदी जी के सारे क्या लागू आला गिरे आज गिरे, तो एक बड़ी पार्टी और चल रही है पार्टी के बाद, सब गुंडो गुंडो बोला भी प्रमोशन हुआ, सारा मुंडो बोला भी प्रमोशन हुआ, अपने सांसद है अटबा मीना के नाम है मैंने मेरे को बाकी एक फोटो सब लिया बैठे किसान, अरे तू देश प्रेमी अटो किसान है तो देश प्रेमी को नहीं, एक बेटो सीमा पर है, एक बेटो पुलिस में है, एक बेटो खेत में काम कर लाइए, वो तो देशभक्त को नहीं अठे देशभक्त को। इन क्षेत्रों में सभी जगह किसानों ने मिलकर चक्का जाम किया है और हमारे तारानगर क्षेत्र में तारानगर सावा ददरेवा डाबड़ी बड़ी गुच्चावास इस जगह सभी किसानों ने इकट्ठे होकर यहाँ पे चक्का जाम जो कार्यक्रम है इसको सफल बनाया है। आज किसान आंदोलन के समर्थन में 12 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम का आयोजन किया गया है चौधरी चरण सिंह सर्किल के ऊपर, और इसमें सभी किसानों ने मांग की है कि जो तीनों कानून हैं उनको वापस किया जाए, अगर वापस नहीं होते तो ये आंदोलन और उग्र होगा। हम हमारा हक मांगते जन्मे जन्म किसान के गए जन्मे
जब मैं अब मरसा तो किसान मरसा तो अपने टाटा बिरला डालमिया मोदी अंबानी अबानी ऐसे अपना नाम ना सुना अपन गेट में कौन बरने और गेट में ही ना थे बरने को ने कि आपा बाकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में बाकी आपा होटिंग का कि बड़ा आदमी था बड़ी रात का बड़ा झंझट का है लेकिन आपा अपने वजूद की पाल को प्रचार प्रसार को निकला भारत में 12 बजे से 3 बजे तक किसानों के द्वारा पूरे भारतवर्ष के किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया है जो केंद्र सरकार ने 3 काले कानून पास किया जिससे कि किसानों की नहीं पूरी भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी उसको रोकने के लिए आज ये चक्का जाम किसानों के द्वारा किया गया है। बाकी चैनल पर नया हो और थारी वीडियो पर राय है जी की जरूर देने की कोशिश करोगा। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।